इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, आपसे ये सवाल करना था कि आज तक हमने कोई ज़कात नहीं निकाली है और हम साहिब निसाब कब हुए थे इसकी डेट भी मालूम नहीं है, तो अब हम इस रमज़ान में ज़कात की नियत करना चाहते हैं और इससे पहले हम अब फ़िलहाल हम किराए के मकान में रहते हैं और अपना ज़ाती मकान बनाने के लिए पैसा जोड़ रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मकान लगभग तामीर हो चुका है, सिर्फ उसका कुछ डेकोरेशन टाइल पत्थर डोर दरवाज़े ये अभी कुछ काम बचा है। मैं सऊदी में जॉब करता हूँ मगर फ़िलहाल अभी जॉब भी चली गई है और लॉकडाउन की वजह से यहाँ फंसे हुए हैं। अभी हमारे पास तकरीबन अगर अमाउंट आज के टाइम में जोड़ा जाए तो 5 से 6 लाख होगा, जिसमें से इसी पैसे में से घर का काम भी चल रहा है यानी घर में लग रहा है। तो इस कंडीशन में हम अगर नियत करते हैं इस रमज़ान ज़कात की, तो क्या फिर वो नियत करने के बाद हमें 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा यानी अगले रमज़ान का, या अभी ही ज़कात देना होगी? और इस पैसे से अभी भी प्लान था कि जब वापस अपने शहर जाएंगे तो कुछ टाइम इंतज़ार करेंगे कि जॉब लग जाए या मिल जाए, नहीं लगती है तो फिर जो अपने पास घर में लगाने के पास पैसा बचेगा उसको कोई कारोबार स्टार्ट कर लें या कुछ और प्रोसेस कर लें अगर जॉब नहीं लगती है फ्यूचर में भी। तो जो ये पूरी कंडीशन है इसमें बताइए कि क्या बेहतर रहेगा हमारे लिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में अभी जैसे आपने ये मान लिया कि हम साहिब निसाब हैं और इस रमज़ान को आपने अपने आप को साहिब निसाब तसव्वुर कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पिछली जो ज़कात आपने नहीं दी वो नहीं देनी या अब अगले साल से देनी है, बल्कि आपको तमाम उन सालों का अंदाज़ा लगाना होगा कि आप पर कितना पैसा था और कब से आप साहिब निसाब हुए थे और उस माल पे आपने कब से ज़कात नहीं दी, तो वो तमाम ज़कात बाद में आपको निकालनी होगी। मिसाल के तौर पर आप 5 साल पहले आपके पास 5 लाख रुपये थे और आपने ज़कात नहीं दी, तो आपको 5 लाख रुपये की ज़कात एक देनी पड़ेगी 5वें साल की। फिर 6ठे साल आपके पास 5 से 6.5 लाख हो गए हों तो फिर आपको उन 6.5 की देनी पड़ेगी। फिर 1 साल आपके 7 लाख हो गए हों तो अगली बार आपको 7 लाख के अंदाज से, इस तरह से आपको तमाम सालों की कि जो आपने ज़कात नहीं निकाली थी उन सब का अंदाज़ा लगा के निकालेंगे। फिर अभी जो आप पे कितना पैसा बचा हो इस साल की ज़कात भी निकालनी पड़ेगी। तमाम सालों की ज़कात निकाल देने के बाद भी अगर ये माल आप पर अगले साल बचा तो अगले साल जितना बचेगा अगले रमज़ान में फिर आप उस वक्त जो है उस साल की ज़कात निकालेंगे। अब ये कि साहिब निसाब आप कब हुए थे ये चीज़ तो खैर आप ही बेहतर जान सकते हैं कि कौन से महीने पे आप पे माल आया था उसका एक अंदाज़ा लगा लें। मिसाल के तौर पे अगर आपको उर्दू का महीना याद नहीं है तो पहले आप अंग्रेज़ी के महीने से अंदाज़ा लगा लें कि भाई मेरे पास जो है वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा या सोना चांदी जेवर मिला के दिसंबर में 2015 के दिसंबर में मेरे पे माल आया था। फिर आप उर्दू कैलेंडर चेक कर लेंगे 2015 के दिसंबर में उर्दू महीना कौन सा था, तो इस तरह बहुत हद तक करीब पहुंच सकते हैं। कोई ऐसी दिन तारीख आपको याद हो कि इस महीने में मैं साहिब निसाब हुआ था, फिर उसी उर्दू महीने के हिसाब से आप हर साल की ज़कात जो आपने छोड़ी है वो सब निकालें और फिर अगले साल माल बचेगा तो उसकी भी निकालें, और साथ साथ आपको अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा भी करना वाजिब है और वो भी सच्चे दिल से कि आपने ये सब मामले जो नहीं करे वो तौबा करें। अब ज़कात किस पे वाजिब थी ये देखा जाएगा कि आपने माल का मालिक किसको बनाया। मसलन ये कि आपने सारा कमाने के बाद वालिद या वालिदा को दिया, वो माल के मालिक हैं,
तो उनको लाजिम था कि वो ज़कात निकालेंगे। तो इसी तरह जो अगर आपने ख़ुद मिल्कियत अपने पास रखी, आप ही मालिक थे, तो आपको चाहिए था कि ज़कात निकालें। तो जितनी हर साल ताखीर हुई है उन सब की ज़कात निकाल कर सच्चे दिल से तौबा करके फिर अगले साल भी माल बचेगा तो वो ज़कात आपको हर साल जो है ना देनी पड़ेगी। जिस माल की आप पिछले साल दे चुके थे, अगले साल भी अगर वो माल रहता है तो उसकी भी देनी पड़ेगी। बाज़ लोग ये समझते हैं कि इस माल की पिछले साल निकाल दी तो अब इसकी नहीं निकलेगी, तो ऐसा नहीं है। एक ही माल मतलब किसी पे 1,00,000 रुपये 10 साल तक भी रहते हैं तो उन 1,00,000 रुपये की हर साल ज़कात निकलती रहेगी, चाहे उसमें माल बढ़े या ना बढ़े, सेम रकम की हर साल निकलेगी। तो इस तरह आप तौबा भी करें, तमाम सालों की निकालें, अंदाज़ा भी लगा लें, और ये कि ज़कात के अलावा भी अपने इस जुर्म और गुनाह के लिए कुछ नफिल सदका खैरात भी करें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, कि खैरात करना सदका करना ये गुनाहों के बंदे को मिटाता है। तो इसलिए वाजिब के अलावा भी अलग से कुछ सदका खैरात, गरीबों को खाना, मिस्कीनों को खाना वगैरह खिलाएं अपने जुर्म के लिए, अपने तौबा के लिए, अपने कफारे के लिए। पत्थर में हसन लाले।